दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके ही चैनल द फैक्ट आई में। आज फिर एक परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, एक परिवार जो काफ़ी लंबे समय से डेरा में आ रहा है। पूरा का पूरा परिवार आज भी डेरा सच्चा सौदा के प्रति मर मिटने की भावनाएं रखता है। तो इस परिवार से बातचीत करते हैं कि क्या कारण है कि वो आज भी सब परिवार डेरा सच्चा सौदा में आते हैं। करते हैं बातचीत शुरू। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरलीधर है जी। आपका मैम? सुरेश। मैम आपको कितना समय हो गया डेरा सच्चा सौदा में आते? मेरे को हो गया 25 साल हो गए। और आपको सर? 25 साल से मारे हैं जी और लगातार आ रहे हैं जी। सर 25-30 साल से आप पूरा परिवार डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, तो इतना लंबा समय आप डेरा में आए हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है सर डेरा में, कि किस तरह की संस्था है या किस तरह की शिक्षा डेरा सच्चा सौदा में दी जाती है? देखो जी, जैसे डेरा सच्चा सौदा फकीरों से सुना करते थे, जैसे सुल्तान बहू का शहर है कि मुर्शिद ऐसा लोड़िए जो दो जग की खुशी दिखाड़े हो, पहला मेटे गम टुकड़े का फिर रब दा राह दिखाड़े हो। वो जो उनके ये वचन हैं, जैसे उनकी ये शिक्षा थी, वो 100% ये डेरा सच्चा सौदा में है जी। गुरु पूरा है और किसी पहले हम ये जैसे कि गरीबी में थे, यहाँ आने के बाद खाने की चिंता खत्म है और प्रभु परमात्मा का जो नाम बताया गया और आपस में प्रेम करने का बताते नहीं, सिखाते भी हैं और अमल भी कराते हैं। ऐसी संस्था मैंने और कहीं नहीं देखी है कि सच्चा सौदा जो है वाकई सच का रास्ता है जी। मैम आप हमें बताएं, एक महिला हैं और महिला होने के बावजूद अपनी बेटियों तक को डेरा सच्चा सौदा में लेकर आती है और महिलाओं की सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था डेरा में, तो आपका क्या कहना है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है? वैसे जैसे वो उठाए ना, वैसे कुछ भी नहीं है। हम तो इतने साल हो गए आती को, हमारे को तो कुछ भी नहीं लगता। मालिक ऐसे भी रंग दिखाते हैं हमारे को, बहुत खुशी आती है दिल में। हाँ तो मतलब आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं डेरा में? हाँ जी हाँ, आती हाँ, सुरक्षित होता। आप क्या कहना चाहेंगे सर सुरक्षा के विषय में? आप भी अपनी बेटियों को लेकर आ रहे हैं डेरा में, तो आपके क्या विचार हैं इस रिगार्डिंग? देखो जी, कभी ऐसा सुना नहीं। गुरुजी हमारे ये बताते हैं कि ये जो इस इल्ज़ाम इन पर लगे हैं, उनको तो हमारे पर हमसे अमल कराते हैं। जैसे हमारी बेटी है वो भी आई हुई है, हमारा ये नाती है ये भी आया हुआ है, घर से हैं तो हमेशा आता रहे। ऐसी सुरक्षा और कहीं हो ही नहीं सकती। मेले मुजरे में जाते हैं वहाँ पर भी लड़की को छेड़ते वगैरह, यहाँ तो पता ही नहीं लगता कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कैसे है, कोई बिल्कुल 1% भी ऐसी बात नहीं है। ये जो है पता नहीं मनगढ़ंत कहानी है या काल का कोई एजेंडा है, ये तो वो परमात्मा मालिक ही जानता है जी। सर आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि समाज का स्वरूप किस तरह बदला है बाबा राम रहीम जी ने, कि समाज को सुधारने में किस किस तरह के कार्य किए उन्होंने? देखो जी, हम रहने वाले हैं पंजाब के, पंजाब में नशे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा चल रही है, कोई सरकारें का वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, उनके एक एक लड़का है और लड़का को नशे में पड़ गए वो, पता नहीं किन्होंने डाला, सरकार ने डाला, हम किसी के बारे में इतना नहीं जानते हैं क्योंकि हम तो इस रास्ते पे चले ही नहीं हैं, लेकिन देखते ज़रूर हैं। समाज में उनके एक एक बेटा है तो घर उजड़ गए, घर में कुछ नहीं, बाप बेटे हैं रोते रहते हैं, बच्चे नशे में मर गए हैं बिल्कुल, कईयों के तो इंजेक्शन लगाए बीच में ही रह गए हैं। जैसे पीछे से आपने सुना होगा कि लड़की की शादी थी, शादी में लड़की को लड़के बारात आ गई पैलेस में, शादी की तैयारियां, लड़की बाथरूम का बहाना करके बाथरूम में चली गई, वहाँ उसने इंजेक्शन लगाया और वहीं उसकी डेथ हो गई। अब देखो आप, फिर भी यानी कि मतलब लोग, गुरुजी हमारे इन लोगों को रोकते थे, नशों से रोकते थे, वेश्यावृत्ति तो बहुत दूर की बात है, ऐसी शिक्षा देते थे और परिवारों में आपसी प्रेम इतना बढ़ गया, कभी कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है। ऐसी संस्था ऐसा तो कहीं और है नहीं जी, इतना यानी समाज को लेकर गए। और हम तो ये बेनती करेंगे सरकार से भी, सभी लोगों से बेनती करेंगे कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, ताकि जो मानवता भलाई के 132 कार्य चला रखे हैं, वैश्वावृत्ति के हैं और भी अनगिनत हैं, बताएं तो बहुत बड़ी लिस्ट बनती है, तो गुरुजी आ जाएं और उन जो मानवता भलाई के कार्य चला रखें, यहाँ हिंदुस्तान में नहीं बाहर में विदेशों में सब जगह चला रखें, उनको गति मिले और समाज इतना बढ़िया हो जाए भी कहीं बुराई नज़र ही ना आए, ऐसा हमारे गुरुजी कर सकते हैं और उन्होंने किया है। सफाई मैंने बड़े बड़े काम ऐसे चला रहे हैं जो आज लोग देखकर कर भी रहे हैं, फिर भी सरकार से ये अपील करते हैं भी उनको जल्दी जल्दी से रिहा किया जाए।
सर, अंत में जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि डेरा सच्चा सौदा क्या है? देखो, डेरा सच्चा सौदा का जैसे कहते ना, सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापारा राम, गुरुमति हरि नाम बन जिए, अति मोल भारा राम। देखो, सभी जो हम मेरे को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या ये संदेश जहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर क्या है कि सच का सौदा है ये, और इसका मतलब ये बनता है कि सच्चा सौदा हरि नाम का, परमात्मा का नाम जपा जाता है और वही वणज व्यापार किया जाता है, उसी से संसार में खुशियाँ आती हैं, परमात्मा के नाम से ही, सच से ही नाम बढ़ता है, और सच के साथ जुड़ो और सच ही देखो, आप झूठ पर कभी ना जाओ। धन्यवाद सर आपका।